हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं JEE मल्टीवर्स और आज हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनेमेटिक्स का। ठीक है, तो ये किसके लिए डिराइव्ड है पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जब एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट या तो यूनिफॉर्म, इसी चीज़ के लिए ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने पढ़े होंगे वो डिराइव किए जाते हैं, बाकी और किस में नहीं डिराइव किया जाए। ठीक है, तो मान लो कि हम कैसे डिराइव करते हैं। एक ब्लॉक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है v। जनरली मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्पीड की नहीं बात कर रहा। ठीक है, और इन दोनों में टाइम इंटरवल कितना है t। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो मैं वेक्टर साइन भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा प्यारा सा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हो u वेक्टर प्लस a वेक्टर t वेक्टर। ठीक है, या तो ऐसा मत लिखे, चलो छोड़ो वेक्टर नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और ये किस किस के लिए डिफाइंड है, अगर ये यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, वन डायरेक्शन, इसलिए 1D मोशन नाम दिया गया इसको। ठीक है, अगर मान लो v ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसे है तो अब इस पर आप नहीं लगा सकते v इज इक्वल टू u प्लस at, आपको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये पहला इक्वेशन तो हमारा आ गया। ये था कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, v एवरेज इंटू टाइम। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अभी v एवरेज इंटू टाइम को क्या लिख सकते हैं, v plus u by t। ठीक है, ये लिख सकते हैं, अच्छा ये लिख सकते हैं, तो s क्या हो जाएगा, v को u प्लस at लिख सकते हैं, इधर से v plus at लिख सकते हैं v को, तो u plus at प्लस u अपॉन 2 तो था ही इंटू t। देखिए अभी दोस्तों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका एक मिनट दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाएगा, वो क्या होगा, ut plus half at squared, s इज इक्वल टू ut plus half at squared। ये आ गया दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें चार वेरिएबल्स है, s u a t। ठीक है, अगर वो तीन दिए होंगे और चौथा पूछ लेगा आपको। ठीक, अभी तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इसी से डिराइव होता है, मैं इसी चीज़ को यहाँ से लिख देता हूँ। s इज इक्वल टू क्या होता है, v plus u by 2 into t। ठीक है, अच्छा तो अभी आपको याद हो, अभी मैंने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v minus u by t। तो t को इधर से क्या लिख सकते हैं, v minus u by a, इसको इधर पुट कर देते हैं। तो चलिए s इज इक्वल क्या आ जाएगा, v plus u into v minus u, ठीक है, अपॉन 2, ये आ जाएगा। ओके, तो अभी इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, v squared minus u squared is equal to 2as, या तो आप जानते हैं इसको v squared is equal to u squared plus 2as। ठीक है, ये तीन है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन डिराइव हो गए हैं। ठीक है, और एक बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आ गए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट डन कितने इन nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, मान लो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, आप मान लो आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, कितने मान लो u वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और दोस्तों बाद में और ऐसे चलता जा रहा है, बाद में कुछ वेलोसिटी वी हो जाती है। ठीक है, अभी हमको क्या पूछना है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ। तो अभी पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, n सेकंड में कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा, तो n सेकंड में कितना मूव करेगा, s इज इक्वल टू यू टी, चलो n यू एन लिख देते हैं ना, n सेकंड में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, कोई डाउट है। अच्छा तो मैं इधर अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे नीचे थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं हम। मान लो ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, कहाँ पे, एन सेकेंड्स पे पहुंच रहा है, कहाँ तक, एन सेकेंड्स पे पहुंच रहा है ये बी पॉइंट पे। अभी
एन माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो हम कैसे निकालेंगे। ये एस वन नाम एस टू नाम दे देते हैं, वो कितना होगा यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। अग्री करते हैं आप इससे, मतलब कोई सी पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस टाइम में ट्रैवल किया है एन माइनस वन सेकेंड्स में वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अभी आपसे कोई पूछे कि एन एथ सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, मतलब वो पर्टिकुलर सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, तो वो क्या होगा दोस्तों, एस वन माइनस एस टू होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो चलिए आप इन सिंपली दोनों के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, ये आ जाता है, ये भी याद आप चाहे तो याद रख सकते हैं, बाकी तो बहुत सिंपल डिराइव करना, सिर्फ इन दो को माइनस करके कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन।